और देखिए जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले छह फेज में हमको 28 सीट आ रही और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार के लिए, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्र में सियासी उठापटक जारी है। इन सब के बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो बिहार के नेता हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग को सम्राट चौधरी ने फालतू करार दिया है। पत्रकारों ने जब सम्राट चौधरी से पूछा कि क्या 2025 में नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, इस बात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जनता ने एनडीए को 75% मार्क्स दिया है, जो लोग परसेप्शन बना रहे थे वो गलत हो गए, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। वहीं बता दें कि चुनाव प्रबंधन जो हमारा बिहार का टीम था उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, ये तमाम बातें सम्राट चौधरी ने कही। वहीं 25% मार्क्स हमारी कटी है, ये बात भी उन्होंने स्वीकार किया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन सीटों पर हम चुनाव हारे हैं उसकी समीक्षा हो रही है कि आखिर हारने का कारण क्या हुआ है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बिहार को 75% मार्क्स मिला, और देखिए जो लोग परसेप्शन बना रहे थे, पहले छह फेज में हमको 28 सीट आ रही थी, लोग परसेप्शन बना रहे थे। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार के लिए। देखिये हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जिस सीटों पर हम चुनाव हारे हैं सभी जगह समीक्षा कर रहे हैं। हम इससे और अच्छा बेहतर कर सकते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हम 39 और 40 जीतेंगे, लेकिन हम 25% सीट हारे। हम इसकी पूरी समीक्षा करें। जेडीयू ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जाएगी, अरे इसमें दिक्कत क्या है, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में 1996 से भारतीय जनता पार्टी आगे भी रहेगी। विशेष राज्य के दर्जा की जा रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जनता ने एनडीए को 75% मार्क्स दिया है, जो लोग एक परसेप्शन बनाकर बैठे थे वो गलत साबित हो गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और आगे भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहेंगे, ये तमाम बातें कही। और साथ ही कहा कि चुनाव प्रबंधन जो कि हमारा बिहार का टीम था उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और 25% मार्क्स हमारी कट गई। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन सीटों पर हम चुनाव हारे हैं उसकी समीक्षा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है कि बिहार में इस वक्त जब से बीजेपी ने ये सीट खोया है तब से सियासी घमासान मचा हुआ है, और इसको लेकर पत्रकारों के सवालों से आए दिन सम्राट चौधरी या फिर एनडीए के तमाम नेता घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जब सम्राट चौधरी घिर गए पत्रकारों के सवाल से, तो उन्होंने ये तमाम बातें कही है और कहा कि जिस सीट को भी हम हारे हैं उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं कि वहां पर हमारे हारने का प्रमुख कारण क्या था।